जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग डेजर्ट की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और सिंपल सी रेसिपी के साथ बहुत ही क्रीमी डेजर्ट बनकर तैयार होती है। तो आज हम बनाएंगे सेवई कस्टर्ड। सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और दूध में एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में एक उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप जितनी सेवई। हमने यहाँ पर रोस्टेड सेवई ली है, इसलिए हम इसे दूध में डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। अगर आपने बगैर रोस्ट की हुई सेवई ली है तो 1 टेबल स्पून जितने देसी घी में उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पहले रोस्ट कर लें, फिर आप इसे दूध में ऐड करें। या फिर इस तरह से आप रोस्टेड सेवई ले लें तो इसे डायरेक्ट ही दूध में ऐड कर दें। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है 7 टेबल स्पून चीनी। आप कितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो इस तरह से हमें इसे लो फ्लेम पर पकने देना है और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे दाग ना लग जाए। और जब तक ये पक रहा है तब तक हमें इसमें ऐड करने के लिए कस्टर्ड पाउडर और दूध का एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम 1/4 कप जितना दूध ऐड करके इसका एक घोल बना लेंगे। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध का जो घोल बनाकर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक हाथ से इसे ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे मिलाते जाएंगे। अगर आपने घोल पहले से बनाकर रखा हुआ है तो ऐड करने से पहले इसे एक बार अच्छे से मिला लें ताकि नीचे जो कस्टर्ड पाउडर बैठ गया है वो घोल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। तो कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लिया, जब तक कि इसमें एक गाढ़ापन ना आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर। आप यहाँ पर केवड़ा वाटर की जगह रोज़ वाटर भी ले सकते हैं या फिर 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे। तो 3 से 4 घंटों तक फ्रीज़ में रखने के बाद अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और क्रीमी हमारा सेवई कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके सिंपल सी रेसिपी के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हमने इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी चेरी ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।